बताना रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी आर एक्स इज वेरिएबल, और आर ए बी की रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। आर ए बी की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड जनरल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर एंड आर एक्स। करो सॉल्व। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर एक्स इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अभी तो आप इसको कांस्टेंट लेके सॉल्व करो, वेरिएबल तो सेकंड पार्ट में चाहिए। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और फिर आर ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। ये स्टेप ठीक है। आर में अगर करंट एक्स है तो टू आर में आई माइनस एक्स है। सिमेट्री के हिसाब से मैं कह सकता हूं इसमें करंट आई माइनस एक्स होगी और इसमें एक्स होगी। इसमें कितनी करंट होगी? करंट थ्रू आर एक्स, आर एक्स में से कितनी करंट फ्लो करेगी? ये एक्स एंटर कर दिया, आई माइनस एक्स लीव कर दिया, तो इसमें कितनी करंट? कितनी करंट एंटरिंग इज इक्वल करंट लीविंग लगाओ ना, कितनी करंट बताई यार? एक्स इधर से आ रही है, आई माइनस आई, टू एक्स माइनस आई। बेसिकली मेरे को निकालना है आर ए बी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए और बी में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, बी दो बारी माफ हो गया, इसको ऐसे कर दो। ए और बी में अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है तो रेजिस्टेंस होगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट फ्लोइंग बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे सॉल्व करें? वी ए माइनस वी बी क्या होगा? पहले इस लूप की इक्वेशन लिख के एक्स निकाल लो, फाइंड एक्स, बिकॉज मेरे को किरचॉफ से डेल्टा स्टार नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ ना, डेल्टा स्टार नहीं लगाना, वो कॉम्पिटिशन
यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आती है, फाइंड वैल्यू ऑफ x. इसको सिंपलीफाई करके बताना क्या आया वी ए माइनस वी बी. एक्स आर वी ए माइनस वी बी. कैलकुलेशन ही है सारी, फिजिक्स तो खत्म हो गई. अब वी ए माइनस वी बी कम्स आउट टू बी आर ए भी हो जाएगा.
यही वैल्यू चेक कर लो। सर ये बोर्ड में कर सकते हैं ना यूज? हाँ ये बोर्ड वाला मेथड ही है, तभी इतना लेंथी है। ये तो स्टार डेल्टा लगा के मैंने कर देना था। सो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 4/3R और मैक्सिमम आ जाएगी 3/2R। मिनिमम वैल्यू इज 4/3R, मैक्सिमम इज 3/2R। एक बार आर एक्स बाय आर को जीरो ले लो, एक बार इनफिनिटी ले लो। नेक्स्ट राइट मैक्सिमम क्या आएगी भाई? 3/2R मैक्सिमम के लिए आर एक्स को इनफिनिटी लेना है ना, तो रेशियो उल्टी ले लो, आर एक्स बाय आर की जगह आर बाय आर एक्स कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, जैसे आर एक्स ऊपर और नीचे दोनों है, तो जैसे ये कैसे पता चलेगा कि इन्फिनिटी लेने पर मैक्सिमम आएगी? आपको इसकी फॉर्म बदलनी पड़ेगी, इसको आर बाय आर एक्स की फॉर्म में लिखोगे। अभी मैंने आर एक्स आर से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, फिर आर एक्स से डिवाइड करोगे तो आर डिवाइडेड बाय आर एक्स विल बी जीरो। ओके सर, फॉर्म चेंज करके बताइए। Next is the circuit shown. Find the equivalent resistance across A and B. Find the equivalent resistance across A and B. Find the equivalent resistance across A and B. So you have to find the equivalent resistance. सबकी resistance R है। सही है भाई।
between A and B. बस इधर रेजिस्टर नहीं लगी जो व्हाइट लाइंस है, बाकी सारी जगह रेजिस्टेंस आ रहा है. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सिमेट्री देखो फिर हो जाएगा. एक मिनट में जस्ट लुक फॉर सिमेट्री. थ्री आर बाई टू सेवन आर बाई थ्री. बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा आंसर नहीं आता जैसे आप निकाल रहे हो. मेरे को सिमेट्री के हिसाब से बताओ कौन से दो पॉइंट्स हैं जिनकी पोटेंशियल सेम है. पहले डायग्राम देख के ये समझ आ रहा है सी और जी की और डी और एच की पोटेंशियल सेम है. बिकॉज सी जी वायर से कनेक्टेड है, डी एच भी वायर से कनेक्टेड है, तो सी जी और डी आर की पोटेंशियल, सी जी और डी एच की पोटेंशियल सेम है. डी और सी की भी सेम ही होगी. यस. तो कौन से रेजिस्टर निकाल दूं? बेसिकली इन चारों पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है. तो आप इसको निकाल सकते हो बीच में से. हम बेसिकली इन पॉइंट्स को अगर निकाल देंगे, इन दोनों को, एक ये रेजिस्टर और एक ये रेजिस्टर, ये वायर भी निकाल सकते हो. तो बेसिकली ये दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल में आर बाय टू, आर आर बाय टू और आर, हमारे पास ये सर्किट बना सिंपल सा. ये तो 5 आर बाय 4 क्या
सी और डी का पोटेंशियल सेम क्यों होगा? यहाँ से जो करंट आएगी वो इक्वली डिवाइड होगी या अनइक्वली? इक्वली होगी। तो फिर इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब सी और डी का पोटेंशियल सेम है। बिकॉज उसको अगर मैं वी ए लेता हूँ, अगर करंट सेम फ्लो कर रही है, मतलब वी ए माइनस वी सी विल बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी, मतलब वी सी इज इक्वल्स टू वी डी। सो व्हाई इज इट लेट आर दी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो करेगी नहीं सर। ठीक है सर, इसलिए निकाल दो, क्या फायदा ही नहीं, अभी ऐसी लगाई हुई है। नेक्स्ट राइट, मैंने सिर्फ दो निकाले हैं, एक ये रेजिस्टर निकाला इधर से और एक इधर से, फिर ये दोनों पैरेलल में R by 2, R, R by 2 और R सीरीज में, ये भी R, R by 2 और R, सिर्फ ये दो निकाले हैं, जो इधर लगा था उसको निकाला और इधर वाले को निकाला, चारों ने निकाले इधर से। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन R is equals to, in the circuit shown R is equals to 2 ohm and V is equal to 20 volt. With switch S open, with switch S open, the reading of ammeter is, with switch S open, reading of ammeter is half its reading when switch S is closed. With switch S open, reading of ammeter is half its reading when switch S is closed. Find resistance of ammeter. सर स्विच ओपन होगा तो करंट तो फ्लो ही नहीं दिया। विथ स्विचेस ओपन रीडिंग ऑफ एमीटर इज हाफ एज कंपेयर टू व्हेन स्विचेस क्लोज्ड, तो स्विचेस ओपन है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, स्विचेस क्लोज्ड है तो इधर करंट फ्लो कर सकती है। तो हमने बताना है सॉरी एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस आर ए, ये निकालनी है। Find the resistance of ammeter with switches open and switches closed. Karo solve isko apne aap. Agar ye switches open hai, तो जो करंट फ्लो करेगी दैट इज 4 प्लस आर ए, विद स्विचेस क्लोज्ड
मैं गिवन है आई टू इज ट्वाइस ऑफ आई वन बिकॉज जब स्विचेस ओपन है तो इसका कोई रोल नहीं है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 20 तो करंट हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर ए स्विचेस क्लोज कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सिर्फ ये रेजिस्टेंस रहेगी ये तो शॉर्ट हो गई रेजिस्टेंस आ रहे तो 20 बाय आ रहे तो इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट राइट इन द नेटवर्क शोन कैलकुलेट द इन द नेटवर्क शोन कैलकुलेट द करंट through cell and current I2 through the resistance 2R shown in the figure. Current I2 through the resistance 2R as shown in the figure. Find current I1 through cell and I2 through the resistance 2R as shown in the figure. Sir, एक बार बात करूं। इसको डाउट था। एक मिनट रुको। ने एक बतानी है करंट थ्रू आई वन थ्रू दिस ये डायग्राम है एक मिनट बना लेने तो फिर पीछे जाता हूं मैं सर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है सर सेल का बी क्या डाउट है इसमें सर आपने इसमें आई वन की वैल्यू 4 प्लस आर आर ए के सीरीज केस में नहीं आ रहा था टोटल रेजिस्टेंस कितनी है ये 2 या 2 ही आ रहे तो 4 प्लस आ रहे जब ये नहीं लगा तो अलग निकलेगी ये तो निकालनी नहीं मैंने इसका करना क्या मेरे को तो एमीटर में करंट चाहिए ना मेरे को इसमें थोड़ी करंट चाहिए इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं सिर्फ इधर से करंट निकाले इधर से कितनी फ्लो करेगी I1 and I2 current through cell and current through 2R
ये दो पॉइंट्स मार्क कर लिया मैंने ए एंड बी, इसको मैं मार्क कर देता हूँ PQ में करंट निकालनी है और सेल में से निकालनी है। ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में पैरेलल में पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, टू आर और टू आर पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितनी हो गई आर। तो मैं सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूं, आर और पैरेलल में आर बाय टू, ये आर, ये टू आर, ये आर, और ये बैटरी। यहां तक क्लियर है सबको? yes. ए बी के अक्रॉस बैटरी लगी है, ये मैंने लगा दी। ए बी के अक्रॉस एक रेजिस्टर भी है आर, ये वाला रेजिस्टर, दिस इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, तो इसको ऐसे बना देता हूं मैं। ए एंड बी के बीच में रेजिस्टर लगा है आर, सी ए पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। P और Q के बीच में रेजिस्टेंस कितनी है? नीचे व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। अब सारा मैंने कर दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। पहले दिमाग कहाँ रहता है? A और P के बीच में 2R, A और Q के बीच में R, P और B के बीच में इट्स R, और क्यू और बी के बीच में आर बाय टू। बैलेंस्ड ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो करंट थ्रू टू आर कितनी होगी पी क्यू? जीरो। एज इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको निकाल दो अब, तो बाकी सर्किट बचा है मेरे पास। ये 3R by 2, ये 3R और ये R, ये तीनों पैरेलल में। करंट कितनी हो जाएगी? करंट थ्रू सेल इज वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। देखो समझ आया कि नहीं आया? आपको देखना था कि इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं व्हीटस्टोन, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो बनता तो व्हीटस्टोन ही है, बस आपको देखना है वो कैसे बनेगा व्हीटस्टोन।
ध्यान से देख लो एक बार, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, सिंपल है। सीरीज पैरेलल करके फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट राइट। In the circuit shown, find I1 and I2. In the circuit shown, find I1 and I2. एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करके देखना। इन द सर्किट शोन फाइंड आई वन एंड आई टू, डायग्राम दिया आपको साथ में। I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको करके देखना। फाइंड करंट थ्रू I1 एंड I2, सॉरी करंट I1 एंड I2, फाइंड करंट I1 एंड I2। दो बैटरीज लगा दिए मैंने एक ही जगह, तो ये होमवर्क हो गया। आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी बोथ I1 I2 इक्वल्स टू जीरो। आंसर आएगा बोथ आई वन एंड आई टू इक्वल्स टू जीरो। इस क्वेश्चन को करके देखना, फिर करते हैं इसके आगे नेक्स्ट टाइम। और आज वाले क्वेश्चन एक बार घर में दोबारा खुद से करके देखना, अगर अभी समझ नहीं आया ठीक से तो। सर कुछ लोगों ने टेस्ट देना है, बाद में कराऊंगा डिस्कस। वो सबने नहीं दिया, तीन तो क्वेश्चन थे उसमें अच्छे, बाकी तो आसान ही थे, थ्योरी थी बाकी तो। यस वो उनमें से दो समझ ही नहीं आ रहे थे, दो तो बाकी नहीं।